नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बता दें कि बाबरी वाले बाबा की दरगाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर अवैध कब्जा जोरों पर है। बाबरी वाले बाबा की जो दरगाह है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भूखंड है और यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि बप्क की संपत्ति है। देख सकते हैं आप, यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु बाबा के जो मुरीद हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मुशीर बाबा हमारे साथ में, क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण क्या है, ये पैमाइश हो गई है, सब काम हो गए। 90 डिसमिल जगह बता ही नहीं रहे कि 90 डिसमिल कहाँ है। ये 4 कदम पे जगह है हमारी, 4 कदम पे नहीं बताई जा रही। 90 डिसमिल का हमें जीरो बताओ क्या है इसका, कोई नहीं दे रहे। लेखपाल के पास गए तो वगैरह, इससे मिलो ऐसे कर रहे हैं। आज ही काम चालू कर दिया उन्होंने परसों से। अब किसके ऑर्डर पर काम चालू हुआ पता नहीं है, कौन सा ही ऑर्डर लेके आए। जबकि 90 डिसमिल में से कुछ जगह दिखा नहीं रहे। 90 डिसमिल वफ़ोर्ड 75 की है, वफ़ोर्ड 75 नंबर वफ़ोर्ड का नंबर है। और भी पहले पैमाइश सब कर चुके हैं, सब काम हो चुके हैं, मगर क्या है ये इन्होंने ऑर्डर फिर दोबारा काम क्यों चल रहे हैं। हमारी 2 कदम पर ही आप देख रहे हो, 2 कदम पर है, 2 कदम पर ही ये चल रहा है मामला। क्या मांग है जिला प्रशासन से? मांग क्या है, ये योगी ने ऑर्डर पैमाइश की दिए, सब काम दिए, फिर ये काम क्यों नहीं रुक गया, काम रुका यार। तो आपने जाना कि ये अवैध कब्जा जो है ये जोरों पर है बाबरी वाले बाबा की दरगाह पर, जैसा कि मुशीर बाबा ने बताया। इनकी मथुरा के जिलाधिकारी सहित जिला प्रशासन ने कमले से यह मांग है कि यह जो कब्जा है रुकना चाहिए और बप की जो संपत्ति का भाग है वो मिलना चाहिए इनको। अब देखते हैं कि इनको न्याय मिल पाएगा क्या। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।